हे गाइस, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल, दैट इज़ इंडियन ब्लॉगर विनी। और हम लोग थोड़ा बाहर निकल रहे हैं, कुछ काम है। दोनों बच्चों का एक्चुअली शूज़ लेने थे, उसी के लिए दोनों बच्चों को लेके साथ जा रही हूँ। और आज सर का जो था वो ऑफ था, तो ये बहुत सारी चीज़ें थी छोटी छोटी जो करना ज़रूरी था, तो उसको साथ लेके ही चली। वैसे तो निकू हम लोगों के साथ जो है वो नहीं जाता है, मतलब उसको बहुत काम रहता है ऐसा अर्जेंट, तभी मैं लेके जाती हूँ। तो उसको, वो भी साथ मेरे जा रहा है क्योंकि उसी का शूज़ लेना है हमें। और देखते हैं कि कहाँ कहाँ घुमाते हैं। एक्चुअली मेरे हस्बैंड जनरली लेके नहीं जाते बाहर, मतलब बोलते हैं कि अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ, थोड़ा सा जो है प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो बहुत कम ही जो है वो लेके बाहर जाते, मतलब फुल फैमिली जाते हैं। निकू का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका था तो उसके क्लासेस अभी नहीं हो रहे थे ऑनलाइन, तो हम लोग सोचे कि आज मौसम भी अच्छा है और इनको कुछ कुछ काम था, तो हम लोगों ने बोला कि साथ में हम लोग जो है वो लंच करके जो है हम लोग निकल चलते हैं, और जो भी काम होगा वो साथ ही साथ जो है देन एंड देयर करते हुए जो है वो घर की तरफ चल देंगे। तो ये देखिए, ये हम जैसे ही बाहर निकले तो देखे कि धूप काफ़ी हो गई, मतलब अच्छी खासी धूप खिल गई थी। और मौसम तो बहुत अच्छा था, लेकिन धूप बाहर निकलने के बाद पता चलता है, घर में तो बहुत अच्छा लगता है मौसम की, चलो सुहावना हो रहा है, लेकिन जैसे ही निकलो तो फिर धूप जो है वो बहुत काफ़ी तेज़ हो गई थी। और निकू देखिए, ये घर से निकली है, ये अच्छे मूड में है, लेकिन तुरंत उसको जो है ना वो नींद आ जाती है। पता नहीं क्यों, गाड़ी पे चढ़ते ही उसको जो है वो लगता है कि वो सो जाए, तो वो पूरे रास्ते जो है वो सो ही गई थी। ज़्यादा दूर नहीं था हमारे घर से, लेकिन फिर भी जो है जो भी डिस्टेंस था उसमें वो सो ही गई, वो उसके बाद फिर वो जगी नहीं। जब हम लोग वहाँ पहुँच गए, मतलब तब वो उठी है, उसके बाद तो फिर उसने इतना धमा चौकड़ी मचाया कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। उसको हमेशा रहता है ना कि मुझे बाहर ले जाते हैं, मैं तो उसको अपनी सोसाइटी में ही घुमाती हूँ, बाहर नहीं लेके जाती हूँ। और बाहर वो निकल गई, जैसे मॉल चली गई या फिर बाज़ार लेके चली गई, तो उसके मतलब जो है बल्ले बल्ले हो जाते हैं। वो इतना खेलती है, मतलब एक एक चीज़ सामान छूती है। ये यही कुछ चीज़ें हैं जिसके कारण मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि अभी बच्चों को ले जाना बाहर जो है वो सेफ़ नहीं है। तो ये तो हम लोग आ गए विशाल, क्योंकि इन्होंने बोला कि अब यहाँ से देखते हुए आगे जाते हैं, अगर यहाँ पे मिल गया कुछ कलेक्शन ऐसा तो फिर जो है वो ले लेंगे, और नहीं तो फिर नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आए, ज़्यादा कुछ तो लेना ही नहीं था, केवल बच्चों का ही था, तो इसलिए हम लोग ज़्यादा देर भी यहाँ पे नहीं लगाए। और बहुत दिन के बाद मॉल खुलने से ना एक अजीब सा पता नहीं क्यों महक है पूरे मॉल में, मतलब अंदर में सफोकेशन होता है, मतलब एकदम दम जैसा घुटता है। तो हम लोग जस्ट बाहर से ही जो जो चीज़ लिए वो आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने शॉपिंग में क्या क्या लिया, और फिर हम लोग जो है वैसे ही जो है घर चले आए। जैसा कि आपने देखा कि आज हम लोग जो है वो थोड़ा सा बाहर गए थे, कुछ काम था, लेकिन उसके साथ ही हम लोगों को जो है कुछ ज़रूरी का सामान था तो वो लेने गए थे वो, लेकिन मिला तो नहीं। लेकिन कहते हैं ना कि जाओ किसी चीज़ के लिए और लेके और मतलब दूसरी दूसरी चीज़ें आ जाती हैं, तो यही होता है। थोड़ा हम लोग जो है वो निकू का जूता लाने के लिए गए थे, क्योंकि आजकल वो जो है शाम को फुटबॉल खेलता है, तो उसके पास नॉर्मल जूते हैं, तो वो बोलता है क्या कि उस जूते से अच्छा किक नहीं लगता है, तो उसके लिए हम लोग जूते लाने के लिए गए थे। और नन्नू के लिए भी लाया है, वो भी मैं शेयर करूंगी, लेकिन अभी फिलहाल तो नन्नू वो जूते पहन के बाहर गई हुई है, तो मैं आपको दिखाऊंगी। और साथ में छोटी कुछ छोटी वेरी स्मॉल शॉपिंग जो है मैंने किया है, जो मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और ये ब्लॉग को जो है यहीं एंड करती हूँ, क्योंकि बहुत जो है वो रात हो रहा है और मुझे खाना भी बनाना है। तो मैं सबसे पहले जो है वो दिखाती हूँ कि ये मैंने दो सॉक्स लिए हैं, ये विंटर भी आ रहा है, हल्का विंटर तो चल ही रहा है, तो ये दो पेयर सॉक्स मैंने लिया है जो कि 49 रुपीज़ में मिला है, 2 to 4 ईयर्स के बच्चों के लिए, तो ये काफ़ी किफ़ायत है और अच्छा भी लगा मुझे, तो मैं सोची कि ये नन्नू के लिए, मतलब आधा से ज़्यादा अगर शॉपिंग देखा जाए तो नन्नू का ही हुआ है। अब क्या बताएं, छोटे बच्चे होते हैं ना तो उनको जो है वो हो ही जाता है, लगता ही है। और अभी थोड़ी सी जो है वो ठंड बढ़ने लगी है हमारे तरफ, तो 1 अक्टूबर को आप देखना कि बिल्कुल मौसम जो है ना वो एकदम जो है चेंज हो जाएगा। अभी थोड़ी थोड़ी ठंडक लगने लगी शाम को, तो ये हल्की ठंड के लिए मैंने नन्नू के
लिए एक छोटा से ये क्यूटी पाई क्या जो है वो ड्रेस लाया है, पिंक कलर का, बेबी पिंक कहते हैं जो, वही पिंक कलर का है ये। इसका प्राइस आपका 99 रुपीज़ है। फुल स्लीप्स मुझे लेनी थी, उसके पास फुल स्लीप्स मतलब बहुत कम है, पिछले साल का तो ऑब्वियस सी बात है कि वो छोटा होना ही होना है, तो इसलिए मैंने जो भी अब कपड़े ले रही हूँ तो उसके फुल स्लीप्स के ही ले रही हूँ। तो ये जो है वो टॉप है, एक छोटा सा टॉप है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक्चुअली ये दोनों जो था ना वो एक ही में लगा हुआ था। देखिए ये जो था वो पैंट और वो दोनों एक ही में लगा हुआ था, लेकिन कस्टमर ऐसा करके चले जाते हैं मतलब दोनों एक ही में अटैच कर दें। मुझे लगा कि इसके साथ ये है, लेकिन ये जो है वो मैं बिल जब बाद में देखी ना तो पता चला कि ये 99 रुपीज़ और दिस वन इज़ ऑल्सो इन 99 रुपीज़। तो मैं ये तो काफ़ी छोटा है, लेकिन फिर भी अब चेंज नहीं कराने जाऊंगी, बहुत दूर है इसलिए। और ये 0 to 3 month का आ गया है, तो उतना दूर जाना पॉसिबल नहीं है, इनके पापा के पास उतनी टाइम भी नहीं। लेकिन इसका कलर मुझे बहुत खूबसूरत लगा था और ये कॉटन है, तो देखते हैं अगर हो जाता है तो देखूँ कौन आया है। निकू था वो आज जल्दी ही खेलने के आ गया, वैसे तो वो 7:30 को आता लेकिन वो 7 बजे ही चला आया है। और ये दूसरा एक ये टी शर्ट लिया है मैंने, वो निकू के साइज का है, निकू के लिए थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, ये लग रहा होगा मेरा है, लेकिन नहीं, ये बॉयज़ टी शर्ट है। तो उसको ये ना बहुत खूबसूरत लग रहा था, ऐसे जो होते हैं ना वो मतलब फुटबॉलर्स के जो होते हैं, तो बोला मम्मा मुझे ये भी 99 का ही है। मुझे लगता है ना कि बिसाल में ऑलमोस्ट जो है वो 99 रुपीज़ का ही रहता है, तो ये भी कॉट तो मोस्टली 99 रुपीज़ का ही रहता है। मतलब मैं देखो उसको विशाल मेगामार्ट से अंडर 99 या 99 ही स्टोर रख देना, ये मेरा सजेशन है, मेरा पर्सनल सजेशन है, बाकी जो है वो कोई भी जो है ऐसा प्रमोशन नहीं है, ना पेड प्रमोशन है, ये मैंने खुद जो है लाया है वो इन लोगों के लिए, ये हाथ ही स्लिप्स में लिया है, तो इसलिए ये अच्छी टी शर्ट है। वो मेरे को साइड से बोल रहा है कि वो मुझे पहनने के लिए दो ना, लेकिन मैं अभी ये पहन नहीं दूंगी क्योंकि मैं ये सारे कपड़ों को जो ना पहले वॉश करूंगी, क्योंकि मैं देख रही हूँ ना कि जो है सारे कपड़े मतलब अजीब सी जो है महक आ रही है सब कपड़ों में, मैंने वहां भी देखा है तो सारे कपड़ों में अजीब सी महक है। तो बिल्कुल बिना धोए हुए मैंने किसी को जो है वो चेक भी नहीं किया, बस खाली ईयर्स देख के मैंने जो है वो लिया है। और एक नन्नू के लिए एक और ये लिया है आर्मी प्रिंट का, ये प्रिंट पता नहीं मुझे क्यों इतना पसंद है, ये भी मैंने फुल स्लीव्स लिया है उसके लिए नन्नू के लिए, तो ये भी 99 रुपीज़ का ही है। और छोटू सा है तो क्यूट लग रहा था देखने से तो मैंने ले लिया, वैसे तो ये बॉयज़ टी शर्ट है यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन मैं बोली कि आजकल तो सारे लड़के और लड़कियाँ एक ही तरह का पहनते, तो इस तरह का जो है वो आपका ये है, बहुत खूबसूरत। तो ये लड़के लड़कियां तो सब भी पहनते हैं, जीन्स में पहनने के लिए हो जाता है, तो ये भी काफ़ी खूबसूरत है। मैं अपने पसंद से अपने बच्चों का कपड़ा लेती हूँ, बाकी इसके डैड मेरे साथ जाते हैं, लेकिन मैं तो जो है मुझे जो पसंद आता है, मैं उनको ये प्रिंट पता नहीं क्यों नहीं पसंद था, लेकिन मैं फिर भी ले, ब्राउन कलर का जो था ना मैं वो ले रही थी, फिर उन्होंने बोला नहीं ये वाली लो, ग्रीन वाली ये अच्छी है, ब्राउन वाली वो तो बिल्कुल ही लगती है क्या कि मतलब आर्मी का ही है इसके, तो ये भी एक क्यूट सा हो गया। और नेक्स्ट जो है वो ये पाजामा लाया है मैंने, फुल पाजामा, ये भी मेरा नहीं है, ये नीकू का ही है पाजामा, ये फुल लाया है मैंने नीचे तक का, ये देखिए अच्छी लास्टिक है, ये पकड़ता नहीं है, उसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, वो लास्टिक थोड़ा सा भी पकड़ेगा ना तो बोलेगा मुझे टाइट हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम है। और देखिए कि ये मैंने ये 159 का जो है ट्राउजर है, सॉरी 159 का ही है, ये 12 to 14 ईयर्स ओल्ड बच्चे का ही है, नहीं ये जो है ना 199 का है, लेकिन इसमें ऑफ चल रहा है तो ये मुझे 159 में जो है वो पड़ा है इसमें, हाँ ये 159 का जो है वो 159 में पड़ा है, तो ठीक है कोई बात नहीं, इतना तो चलता ही है अपना पहनने के लिए, नॉर्मल पहनने के लिए जो है, और लुक भी अच्छा लग रहा है बिल्कुल जो है। ये ग्रे कलर मुझे बहुत पसंद है, रात में पहन के अपना रात नाइट सूट जैसा हो जाता है ना वैसे। और मैं किचन का सामान लाई हूँ, सब मुझे डांटते हैं कि तुम जाती हो तो हमेशा किचन पूरा भरा पड़ा हुआ, लेकिन मैं जब भी जाती हूँ ना तो मुझे ऐसा क्यों फील होता है कि कुछ जो है कुछ घट ही रहा है, मतलब ये चाहिए वो चाहिए, तो मैं आज ना इस बार ये लेके आई हूँ, देखिए ये वाली,
ये इसलिए ना कि वैसे तो मेरे पास बहुत सारा जाला है, जाला इन द सेंस कि बास्केट मेरे पास बहुत सारा है, तो लेकिन वो बास्केट जो है ना वो सब प्लास्टिक है, और मैं चाह रही हूँ ना कि प्लास्टिक धीरे धीरे एकदम खत्म कर दूँ, उसको यूज ही ना करूँ। तो ये पोहा हुआ अगर आप करते हो ना तो बहुत अच्छा ड्रेन हो जाता है, इसमें फ्रूट्स भी आप रख सकते हो, एज अ फ्रूट आप कर सकते हो, और ये ओनली 99 का था तो मुझे लगा क्या कि ये बेस्ट है। और साइज भी देखिए इसकी अच्छी खासी साइज है, तो स्टील थोड़ी पतली है लेकिन चलेगी कोई बात नहीं, ये 99 का ये भी है तो इसलिए जो है दिखेगा तो नहीं नहीं दिखेगा, मेरा मोबाइल जो है इतना जूम ही नहीं कर पाता, इतना ही काफी है। तो एक मैंने ये लिया है, और दूसरा जो है वो मैं आटा जो रखती हूँ ना, जैसे रोटी पकाती हूँ तो साथ में एक सफेद आटा रहता है, परथना जिसे कहते हैं, हम लोग परथना कहते हैं, परथन कहते हैं, परथन परथना जो है परथन ही कहते हैं, तो उसको मैंने ना प्लास्टिक के ही में रखा, तो बहुत दिनों से मैं सोच रही थी उसे चेंज करूंगी लेकिन कोई ऐसा ओकेज मतलब याद ही नहीं आता था। इस बार गई तो इसके साथ सोची कि मैं ये भी लेके आऊं, जब से मैंने सोचा कि थोड़ा सा प्लास्टिक को जो है वो अवॉइड करूं किचन से, अब मैं सारे डब्बे भी धीरे धीरे करके जो है ना जो प्लास्टिक के, और काफी 2-3 साल हो गए तो मैं सोच रही कि वो सारे डब्बे भी बिल्कुल जो है रिमूव कर दूं, और सब जो है ना अब कांच की जो है बोतलें आ गई, मतलब कांच के जार आ गए, तो मैं सोच रही हूँ एक एक करके जो है वही यूज कर लेती हूँ, तो फिर देखिए आगे क्या होता है। लेकिन फिलहाल तो मैंने एक छोटा सा ये जो है लेके आई हूँ, ये भी काफी अच्छा है, और इसकी प्राइस भी 99 ओनली, तो ये भी अच्छी है, आप अपना यूज करो रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे जो है चेंज करने का कोई ये नहीं है। बिल्कुल ये एकदम बिल्कुल छोटा सा जो था वो शॉपिंग हॉल था, और उसके बाद मैं जैसे ही किचन में आई ना तो मैं सोची एक ट्रिक है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर जिनको आता है वो तो बहुत अच्छा, और नहीं तो फिर फायदा ही होता है किसी का। ये स्टील वाले बर्तन में जो पीछे लगे हुए रहते हैं ना, एक्चुअली इसे उठाइएगा ना तो मतलब ऐसे उठा दीजिएगा तो वो जो है वो वाइट वाइट लगी रहती है, लेकिन इसको थोड़ा सा गर्म करके अगर आप उठाएं ना तो बिल्कुल आसानी से उठ जाती है, और उसमें वो चिपकी नहीं रहती है और बिल्कुल क्लीन होके वो निकल आती है, तो ये बहुत अच्छा ट्रिक है, तो मैं सोची आप लोगों के साथ शेयर करूं। का छोटा सा ब्लॉग था हमारा, मैं जा रही हूँ सांस देने के लिए क्योंकि ऑलरेडी 7 बज गया है, शाम का मेरा ऐसा ही होता है डिनर कर तैयार करना है, क्योंकि नन्नू नीचे गई है, जब तक वो ऊपर आती है तब तक मेरे को सारा काम जो है कंप्लीट कर लेना, क्योंकि उसके बाद उसको मालिश करना, फिर उसके साथ थोड़ा खेलना, और उसके बाद 1 घंटा उसके पीछे खाना लेके दौड़ो, खाना मैं नहीं पूरा उसको कंप्लीट करवाती हूँ ना तो रात में मुझे तंग करती है, और खाना अगर अच्छे से खा लेती है तो वो मुझे रात में उतना तंग नहीं करती है, रात में वो थोड़ा सा जो है आधा रोटी एक रोटी जो खा लेती है उसके बाद दूध पी लेते तो फिर वो आराम से सो जाती है, तो इसलिए मैं उसके पीछे चाहे जो भी हो जाए 9 बजे 10 बजे मैं उसके पीछे पड़ी रहती हूँ। तो ये काम जो है मैं यहाँ से करके कंप्लीट करूँ, किचन पूरा क्लीन कर लूंगी और केवल खाना ही बच जाएगा, बच्चों को खाना देने के बाद हम लोग खा लेंगे बाद में जो है। तो ये आज का ये छोटा सा ब्लॉग था, आई होप आप लोगों को पसंद आया, अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।